2024 में सोशल साइंस का पेपर कैसा आएगा तो उसका पता चल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सामाजिक विज्ञान की आपको तैयारी कैसी करनी है। अगर आपने इस प्रकार से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, उस टाइप से अगर आपने सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की तैयारी कर ली तो बोर्ड परीक्षा 2024 में सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पेपर में आप 80 में से 80 मार्क्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, और इसके अलावा YouTube पर ऑफलाइन कहीं पर भी आपको सामाजिक विज्ञान में भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का जो पूरा निचोड़ है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। और किस टाइप से आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको तैयारी करनी है, तो पूरा जो प्रोसेस है वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को कम्प्लीट आपको देखना है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2024 में जो सामाजिक विज्ञान है, जो सोशल साइंस है आपके, और उसका पेपर कैसा आएगा। तो सामाजिक विज्ञान का जो ब्लूप्रिंट है, तो देखिए प्यारे बच्चों, ब्लूप्रिंट है वो आपके बोर्ड पैटर्न, यानी जो बोर्ड का पेपर आएगा सामाजिक विज्ञान का, वो पूरा पेपर आपके ब्लूप्रिंट पर आधारित होगा। और अगर अभी तक आपने ब्लूप्रिंट को नहीं समझा है तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो को आपको पूरा देखना है और साथ साथ में आप अपनी जो नोटबुक है सामाजिक विज्ञान की, उसको साथ में लेना है और साथ साथ में आपको नोट करना है। और अगर आपने इसको समझ लिया, अच्छे से आपने ब्लूप्रिंट को समझ लिया, तो सामाजिक विज्ञान में पूरे 80 मार्क्स हैं वो अचीव कर सकते हैं, पूरे 80 मार्क्स हैं वो आप ला सकते हैं। इस बार बोर्ड परीक्षा 2024 में सामाजिक विज्ञान के पेपर में जो टाइम है, जो समय है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक है आपके 80, यानी 80 नंबर का ये पेपर आने वाला है। तो 80 में से 80 नंबर सभी बच्चों को फोड़ना है, इस बार सामाजिक विज्ञान को आर पार करना है। और यहाँ पर हम बात करें तो सामाजिक विज्ञान में टोटल आपके 4 बुक हैं, एक है आपके इतिहास की, और एक आपके भूगोल, और एक आपके राजनीति, और एक है आपके अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र। तो इन 4 बुक है और चारों बुक आपके 20-20 नंबर की है, ओके। और प्रत्येक बुक को आपको गहराई से अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ना वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप चैनल पर बने रहें और चैनल की जो प्लेलिस्ट हमने बना रखी है उनको आप साथ साथ में विजिट करते रहें। तो देखिए, भारत और समकालीन विश्व, सेकंड इतिहास, सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री को आपको कैसे पढ़ना है। तो हिस्ट्री है वो टोटल आपके कितने नंबर की है, 20 नंबर की है, ओके। और 20 में से 20 नंबर लाना है आपको। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो यहाँ पर पहला चैप्टर है आपके यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये आपके ये वाला जो चैप्टर है आपके टोटल कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। अब इस चैप्टर में आपके बोर्ड के पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा, और वो बड़ा क्वेश्चन आएगा, एक प्रश्न आएगा आपके, और वो निम्नात्मक आएगा। अब देखिए, प्रश्न है वो पेपर में आपके 4 आएंगे, 4 टाइप या 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, 4 सेक्शन आपको मिलेंगे। ए सेक्शन मिलेगा, उसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो एक एक नंबर के होंगे, और रिक्त स्थान वाले होंगे वो भी एक एक नंबर के होंगे, और आपके जो अति लघुतरात्मक हैं वो भी एक एक नंबर के होंगे, वो 10 क्वेश्चन आएंगे, ओके। और उसके बाद में जो सेक्शन भी आएगा उसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे जो 2-2 नंबर के आएंगे, और तीसरा सेक्शन है उसमें दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन आएंगे जो 3-3 नंबर के आएंगे, और सेक्शन 4 जो सेक्शन डी है उसमें आपके निम्नात्मक प्रश्न आएंगे जो 4-4 नंबर के आएंगे। तो देखिए, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है आपके, इसमें केवल एक क्वेश्चन आएगा, और वो कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का, ओके। यानी 4 नंबर का ये चैप्टर है और इसमें एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। उसके बाद में दूसरे चैप्टर की मैं बात करूं तो दूसरा चैप्टर है आपके भारत में राष्ट्रवाद।
अब देखिए भारत में राष्ट्रवाद है, ये वाला चैप्टर भी कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। अब इसमें 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। एक तो वस्तुनिष्ठ होगा, वस्तुनिष्ठ का मतलब है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एबीसीडे वाले प्रश्न। और एक प्रश्न आपके अति लघुतरात्मक आएगा, अति लघुतरात का मीनिंग, अति लघुतरात का मतलब आपके जो एक शब्द में या एक पंक्ति में आपको उत्तर देना है। और एक आपके लघुतरात्मक आएगा, लघुतरात्मक वाला जो प्रश्न है वो आपका 2 नंबर का होगा। और वस्तुनिष्ठ और जो अति लघुतरात्मक है ये आपके 1-1 नंबर के होंगे। तो ये 4 नंबर आप पक्के कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखिए तीसरा चैप्टर है आपके हिस्ट्री का, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना ये वाला जो चैप्टर, ये भी कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। इस चैप्टर से आपके एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा जो 1 नंबर का होगा, और एक आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा जो 3 नंबर का होगा। यानी ये चैप्टर 4 नंबर का है, इसमें 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है आपके औद्योगिकरण का युग। तो औद्योगिकरण का युग वाला जो चैप्टर है ये भी आपके कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। अब देखिए 4 नंबर को हमने इस प्रकार से हमें तैयार करने हैं। एक प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ आएगा इस चैप्टर से, एक प्रश्न आपके क्या आएगा, वस्तुनिष्ठ आएगा जो 1 नंबर का होगा, और एक आपके रिक्त स्थान वाला आएगा जो 1 नंबर का होगा, और एक आपके 2 प्रश्न अति लघुतरात्मक होंगे 1-1 नंबर के। तो इसमें 4 प्रश्न आएंगे और 4 नंबर का ये चैप्टर है आपके, ओके। उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 है आपके मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया वाला जो चैप्टर है ये आपके 4 नंबर का है, और इसमें 1 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ आएगा ये भी 1 नंबर का, और एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न ये भी 1 नंबर का, और एक लघुतरात्मक प्रश्न ये आपके 2 नंबर का आएगा। यानी 3 क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर इस चैप्टर से आप बना सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। जिस चैप्टर से आपके छोटे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जिसमें बड़ा ही क्वेश्चन आपको हो रहा है, बड़ा ही क्वेश्चन आएगा, तो उसमें छोटे क्वेश्चन याद करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में देखिए सेकंड बुक है आपके भूगोल यानी जियोग्राफी, समकालीन भारत 2। और भूगोल की बुक है, इस बुक में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, सारे ही चैप्टर पढ़ने हैं, और ये 20 नंबर की बुक है आपके, 20 नंबर आप इसमें से बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट की बात करें, तो चैप्टर फर्स्ट है आपके संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास वाला जो चैप्टर है ये आपके कितने नंबर का है, कितने अंक का है, आपके 3 अंक का है। अब इसके प्रश्नों का वितरण हम बात करें, प्रश्नों के वितरण को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, तो एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएगा और एक लघुतरात्मक आएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपके 1 नंबर का होगा, और लघुतरात्मक है वो आपके 2 नंबर का होगा। यानी ये चैप्टर 3 नंबर का है और 2 प्रश्न इस चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद में दूसरा चैप्टर है आपके वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो ये वाला चैप्टर कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। इसमें क्वेश्चन भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा आपके वस्तुनिष्ठ जो 1 नंबर का होगा, और एक क्वेश्चन आपके अति लघुतरात्मक आएगा जो आपके 1 मार्क्स का होगा, 1 नंबर का होगा। तो ये 2 नंबर का चैप्टर है और 2 ही क्वेश्चन आपको इसमें से पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखिए तीसरा जो चैप्टर है आपके, तीसरा जो लेसन है वो है आपके जल संसाधन। तो जल संसाधन वाला जो चैप्टर है ये आपके 3 नंबर का है, ओके। और इसमें 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान वाला होगा और एक आपके लघुतरात्मक होगा, ओके। रिक्त स्थान वाला प्रश्न 1 नंबर का और लघुतरात्मक है ये आपके 2 नंबर का होगा। तो ये चैप्टर 3 नंबर का है और 2 क्वेश्चन इसमें से आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 है आपके कृषि यानी एग्रीकल्चर। तो ये वाला चैप्टर है ये कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा, 3 नंबर का ये आएगा आपके, और इसमें से केवल एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है। एक ही क्वेश्चन आएगा दीर्घ उत्तरात्मक, जो बड़ा होगा क्वेश्चन, और कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। तो 3 नंबर का ये चैप्टर है और 1 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से मिलेगा। उसके बाद में देखिए पांचवा चैप्टर है आपके खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन वाला जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, ये आपके 4 नंबर का है, ओके। इसमें से एक ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, निम्नात्मक क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा, जो कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का, ओके।
और उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 है आपके विनिर्माण उद्योग। अब देखिए जो चैप्टर नंबर 5 है आपके, इसमें आपको छोटे क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यानी रिक्त स्थान वाले और वस्तुनिष्ठ अति लघुतरात्मक छोटे क्वेश्चन नहीं पढ़ने, आपको एक बड़ा क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 है आपके विनिर्माण उद्योग, तो विनिर्माण उद्योग वाला जो चैप्टर है ये आपके कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। इसमें 2 ही क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ आएगा जो मल्टीपल चॉइस होगा जो 1 नंबर का होगा, और 1 प्रश्न आपके अति लघुतरात्मक आएगा जो आपके 1 नंबर का होगा। यानी 2 नंबर का चैप्टर है और 2 ही क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से, इस अध्याय से पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 7 है आपके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं ये वाला जो चैप्टर है ये आपके टोटल कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, यानी 3 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ आएगा जो 1 नंबर का होगा यानी मल्टीपल चॉइस होगा, और 1 क्वेश्चन आपके लघुतरात्मक आएगा जो कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का, यानी 3 नंबर का ये अध्याय है और इस अध्याय से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद में हम तीसरी बुक की बात करें तो तीसरी बुक आपको साथ में लेकर बैठना है, चारों बुक लेकर बैठना है, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको अपनी बुक में नोट करना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको सामाजिक विज्ञान पेपर की तैयारी करनी है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो मान लीजिए बोर्ड परीक्षा 2024 में सामाजिक विज्ञान के पेपर में आप परचम लहरा कर आओगे, पूरे 80 मार्क्स हैं वो फोड़ कर आओगे। अब देखिए तीसरी बुक है आपके लोकतांत्रिक राजनीति, यानी पॉलिटिकल वाली जो बुक है ये भी आपके टोटल प्यारे बच्चों 20 नंबर की है, 20 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं चैप्टर फर्स्ट की, तो चैप्टर फर्स्ट है आपके सत्ता की साझेदारी, तो सत्ता की साझेदारी वाला जो अध्याय है ये आपके कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। अब इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे आपके, 1 वस्तुनिष्ठ होगा 1 नंबर का, और 1 अति लघुतरात्मक प्रश्न आएगा वो भी 1 नंबर का, और 1 लघुतरात्मक आएगा ये आपके 2 नंबर का आएगा। ओके, यानी टोटल ये चैप्टर 4 नंबर का है और इसमें 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद में दूसरा जो चैप्टर है वो है आपके संघवाद, यानी चैप्टर 2 है आपके संघवाद, और ये आपके 4 नंबर का होगा ये चैप्टर, और इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 क्वेश्चन आपके अति लघुतरात्मक और 1 आपके दीर्घ उत्तरात्मक। ओके, यानी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 अति लघुतरात्मक और 1 दीर्घ उत्तरात्मक। तो ये टोटल 4 नंबर का चैप्टर है और इस चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखिए तीसरा चैप्टर है आपके, चैप्टर नंबर 3 है आपके जाति धर्म और लैंगिक मसले, ये वाला जो अध्याय है ये आपके 4 अंक का आने वाला है। इस अध्याय से, इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा सामाजिक विज्ञान के पेपर में देखने को मिलेंगे, 1 आपके वस्तुनिष्ठ आएगा 1 नंबर का, और 1 प्रश्न आपके अति लघुतरात्मक आएगा ये भी 1 नंबर का आएगा, और 1 आपके लघुतरात्मक आएगा ये भी ये 2 नंबर का होगा, यानी लघुतरात्मक वाले प्रश्न है वो 2-2 नंबर के होंगे, और ये वाला चैप्टर 4 नंबर का है और 3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलेंगे। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 4 है आपके राजनीतिक दल, तो राजनीतिक दल वाला जो अध्याय है ये आपके टोटल 5 नंबर का आने वाला है। इस अध्याय से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 1 क्वेश्चन आएगा वो रिक्त स्थान वाला आएगा, और 1 क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ आएगा मल्टीपल चॉइस ये भी 1 नंबर का, रिक्त स्थान वाला भी 1 नंबर का, और 1 आपके अति लघुतरात्मक आएगा ये भी 1 नंबर का होगा, और 1 आपके लघुतरात्मक आएगा ये कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का, यानी ये टोटल आपके ये वाला चैप्टर 5 नंबर का है। ओके, और 4 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। उसके बाद में लास्ट चैप्टर है आपके, 5वां चैप्टर है पॉलिटिकल का, चैप्टर का नाम है लोकतंत्र के परिणाम, और ये वाला चैप्टर 3 अंक का है प्यारे बच्चों। इस चैप्टर से आपको 1 क्वेश्चन रिक्त स्थान वाला मिलेगा और 1 आपको लघुतरात्मक मिलेगा, यानी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 1 रिक्त स्थान वाला आएगा 1 नंबर का, और 1 लघुतरात्मक वाला आएगा ये आपके 2 नंबर का आएगा। उसके बाद में लास्ट बुक है आपके, बुक नंबर 4 है आपकी, यहाँ पर आर्थिक विकास की समझ और अर्थशास्त्र। ओके, और ये अर्थशास्त्र वाली, इकोनॉमिक्स वाली जो बुक है ये भी टोटल 20 नंबर की है,
अब इसमें कौन कौन से चैप्टर आपके आने वाले हैं इस बार, और सभी चैप्टरों का जो अंक विभाजन है वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपके, चैप्टर फर्स्ट है आपके विकास यानी डेवलपमेंट। तो ये वाला जो चैप्टर है ये आपके 3 नंबर का आने वाला है, और इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आएगा ये आपके रिक्त स्थान वाले आएगा 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन आपके लघुत्रात्मक आएगा ये आपके 2 नंबर का आएगा। यानी ये टोटल 3 नंबर का चैप्टर है और 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 है आपके, दूसरा चैप्टर है आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो ये वाला जो चैप्टर है ये 5 नंबर का है, और इस चैप्टर से आपके 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ मिलेगा 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन आपको अति लघुत्रात्मक मिलेगा ये भी 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरात्मक मिलेगा ये भी 1 नंबर का। यानी टोटल 5 नंबर का चैप्टर है, और इस चैप्टर से इस अध्याय से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद में तीसरा चैप्टर है आपके, यहाँ पर तीसरा चैप्टर आप देख सकते हैं मुद्रा और साख, ये वाला चैप्टर टोटल 5 नंबर का है, और इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आएगा वस्तुनिष्ठ 1 नंबर का जो मल्टीपल होगा, और एक क्वेश्चन आपके निम्नात्मक होगा जो बड़ा क्वेश्चन होगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा आपके, और ये टोटल 5 नंबर का चैप्टर है, और इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके चैप्टर नंबर 4 है, यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 आप देख सकते हैं वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये वाला चैप्टर आपके 5 नंबर का आने वाला है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको रिक्त स्थान वाला मिलेगा 1 नंबर का, एक आपको लघुत्रात्मक मिलेगा 2 नंबर का, एक आपको वस्तुनिष्ठ मिलेगा 1 नंबर का, और एक प्रश्न आपको अति लघुत्रात्मक मिलेगा ये भी 1 नंबर का। यानी ये टोटल आपके 5 नंबर का चैप्टर है, और इस चैप्टर से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देखिए 5वां चैप्टर है आपके उपभोक्ता अधिकार, तो ये वाला जो चैप्टर है ये 2 नंबर का है। ओके, यानी 2 नंबर के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा 2024 में, और इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा वो होगा लघु उत्तरात्मक। यानी 2 नंबर का ये चैप्टर है, और एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।